फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। विलियम शेक्सपियर बॉर्न ऑन 26 अप्रैल 1564, यानी कि इनका जन्म 26 अप्रैल 1564 में हुआ। डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616, इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई। अ ग्रेट पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड अ प्ले राइट इन इंग्लिश। यह एक बहुत ही महान कवि, नाटककार और नाटक रचयिता भी थे। ही रोट 154 सोनेट्स, 38 प्ले, यानी कि इन्होंने 154 सोनेट का अर्थ होता है कविता, यानी कि इन्होंने 154 सोनेट लिखी और 38 नाटक लिखे। टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एंड मैनी मोर, और इसके अतिरिक्त इन्होंने दो लंबी कविताएं भी लिखी और बहुत कुछ भी लिखा इन्होंने। तो आगे बढ़ने से पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में और कुछ जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर बहुत ही महान अंग्रेजी के कवि, नाटककार तथा अभिनेता भी थे। उनके नाटक और कविताएं को लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इनकी रचनाएं न केवल अंग्रेजी जाति को गौरवान्वित किया बल्कि पूरे विश्व को भी किया। विलियम शेक्सपियर को मानो ईश्वर का वरदान मिला हो। उनके नाटक और कविताओं से हमें आनंद मिलता है। इन्होंने 154 सोनेट लिखी थी, जिसमें से सबसे फेमस यानी कि सबसे प्रसिद्ध सोनेट नंबर 18 है, जिसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इन्होंने बहुत सी ट्रेजिडी भी लिखी थी। तो ट्रेजिडी का अर्थ होता है शोकपूर्ण घटना। इन्होंने शोकपूर्ण घटना पर आधारित नाटक भी लिखे हैं, जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, और कई हास्य नाटक भी लिखे हैं, जैसे कि एज यू लाइक इट, ये बहुत ही मशहूर है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 116 यानी कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको सोनेट क्या होता है उसका मतलब बता देती हूँ। तो सोनेट का मतलब होता है गाथा या फिर गीत, जो कि असल में 14 लाइन में लिखी जाती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, हम पहले इस कविता की सारांश यानी कि थीम को थोड़ा जान लेते हैं। कवि विलियम शेक्सपियर कविता के माध्यम से हमें सच्चे प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम समय के साथ नहीं बदलता है, यह हमेशा स्थिर रहता है। सो फ्रेंड्स, कविता का टाइटल है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो इसका अर्थ होता है सच्चे मन की विवाह, विवाह जो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि सच्चे मन से हो, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो दोस्तों, आइए पहले हम इस कविता की थीम को थोड़ा जान लेते हैं। कवि विलियम शेक्सपियर कविता के माध्यम से हमें सच्चे प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं, यानी कि कवि कहना चाह रहे हैं कि सच्चा प्रेम समय के साथ नहीं बदलता, यह हमेशा स्थिर होता है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब होता है सच्चे मन की विवाह, विवाह जो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि सच्चे मन से की हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राधा और कृष्ण की प्रेम कथा, जिन्होंने सच्चे मन से विवाह किया, ना कि शारीरिक रूप से, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आइए शुरू करते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई भी ऐसे कारण को नहीं मान सकता जो सच्चे प्रेम करने वालों के बीच बाधा लाए। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स वेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। यहाँ अल्टर्स का अर्थ होता है बदलना,
प्यार प्यार नहीं जो परिस्थितियों के साथ बदल जाए, या फिर प्रेम को बदलता देख खुद बदल जाए। यहाँ हम सब यह भी कह सकते हैं कि शारीरिक सुंदरता में बदलाव के कारण प्रेम बदल जाता है। और ब्लेंड्स वेन द और ब्लेंड्स विथ द रिमूवर टू रिमूव, यानी कि या फिर किसी के आगे झुककर अपना प्रेम भूल जाए या फिर प्रेम त्याग दे। सच्चा प्रेम किसी के आगे झुकता नहीं, यह हमेशा स्थिर रहता है। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। एवर का अर्थ हुआ हमेशा, फिक्स्ड का अर्थ हुआ स्थिर। तो यहाँ इट का मतलब है सच्चा प्रेम। कवि इट के द्वारा सच्चे प्रेम को संबोधित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सच्चा प्रेम हमेशा स्थिर रहता है, यह बदलता नहीं। बिल्कुल उस ध्रुव तारे के जैसा आसमान में हमेशा एक जगह दिखता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। यहाँ टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान और शेकन का मतलब है हिलना। सच्चा प्रेम किसी भी विकट परिस्थितियों में भी एक साथ बिना हिले डुले सामना करती है। यानी कि किसका सामना करती है? तूफान का सामना करती है। यानी कि किसी कोई भी मुसीबत से ये एकजुट होकर लड़ सकते हैं। इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क हुज वर्थ अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। वंडरिंग बार्क का अर्थ है भटकती नाव। कभी कहना चाह रहे हैं कि सच्चे प्रेम उस तारे की तरह होता है जो हर भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ अननोन, यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं होता। ऑल्दो हिज हाइट्स बी टेकन, लेकिन उसकी ऊंचाई को हम अवश्य नाप सकते हैं। लव्स नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कॉम्पस कम। मतलब प्रेम समय के बदलाव के साथ नहीं बदलता। रोजी लिप्स एंड चिक्स से यहाँ शारीरिक सुंदरता को समझाया जा रहा है। समय का जब काल चक्र चलता है तो वह सुंदर चीजों को भी नष्ट कर देता है, लेकिन सच्चा प्रेम समय के विनाश चक्र के साथ नहीं बदलता, यह स्थिर रहता है। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि विनाश, जब हम विनाश की कागार पे खड़े होते हैं। इस लाइन के माध्यम से कवि कह रहे हैं प्रेम समय के चंद घंटों या फिर हफ्तों का मोहताज नहीं होता, यह जीवन के आखिरी दिन तक साथ रहता है, यानी कि हमेशा साथ। इट दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। इट दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। इन अंतिम लाइनों के द्वारा कवि कह रहे हैं, खुद को संबोधित करके कह रहे हैं कि यह सब गलत है और कोई मुझे गलत साबित कर दे। यह सब गलत है और अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं यह समझूंगा कि मैंने सच्चे प्रेम के बारे में कविता लिखा ही नहीं और किसी ने कभी सच्चा प्रेम किया ही नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कविता समझने में कोई परेशानी ना हुई हो। अगर आपको कोई परेशानी अगर आई भी हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे।